रामपुर में लोलो ग्रुप की मीट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित मीट फैक्ट्री में गैस प्लांट में काम करते वक्त दो कर्मचारियों की मौत हो गई है, जबकि दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए। आपको बता दें कि रामपुर में लोलो ग्रुप ऑफ कंपनीज की फेयर एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री है। थाना सिविल लाइन्स के पहाड़ी गांव में स्थित फैक्ट्री में पशुओं का कटान होता है। फैक्ट्री में आज ईपीपी प्लांट में काम करने के दौरान गैस लीकेज हो गया और गैस लीकेज के चलते चार कर्मचारी बेहोश हो गए, जिससे एक कर्मचारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीन कर्मचारी बेहोश हो गए। गंभीर कर्मचारियों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर तीनों की हालत गंभीर होने पर पड़ोसी जनपद जिला मुरादाबाद को रेफर किया गया। मुरादाबाद के कॉस्मॉस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दूसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई, जबकि दो अन्य का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ईपीपी प्लांट में वेस्ट मटेरियल को ट्रीट करके ठीक किया जाता है और मशीन पानी खींचती है। फैक्ट्री में हुए हादसे के चलते अफरा तफरी मच गई और कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही मामले की छानबीन की जाएगी। एक्सपोर्ट का फैक्ट्री है यहाँ पे मीट की, उसमें इनका जो वेस्ट होता है उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका कोई होता है गड्ढा वड्ढा, उसमें एक मजदूर इनका स्लिप कर गया था। उसको बचाने के लिए दो और उसमें गए, तो उसमें दो व्यक्तियों की एक आध और गए होंगे, तो कुल उसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, दो मजदूरों की इनकी, और दो मजदूर इनके घायल हैं जो कॉस्मॉस हॉस्पिटल है मुरादाबाद वहाँ भर्ती हैं। तो अभी मैंने भी इंस्पेक्टर को कॉस्मॉस ही भेज दिया है कि तुम जाके देखो उनके इलाज की क्या पोजीशन है। तो ट्राई हम ये कर रहे हैं कि उनका इलाज देख लें, और दो तो बेचारे दुर्भाग्य से नहीं रहे। तो नाम उनका अगर आप जानना चाहते हैं तो एक फैजुल अली हैं, ये आसाम के रहने वाले हैं, एक फाजिल मियाँ हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। अभी देखो तहरीर वगैरह आने दीजिए, अब प्रबंधक क्या जिसका जो रोल होता है देखा जाएगा कि एक्सीडेंट है कि क्या लापरवाही है क्या चूक है, जैसा भी तहरीर आती है जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा वैसी कार्रवाई करें। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है।